नमस्कार, मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार और इस वक्त मैं जो खड़ा हूँ पहाड़ों को चीरते हुए सड़कों पर एक रफ्तार भरते हुए जो कि माउंटेनियर इस समय प्रिया जी और प्रदीप जी के साथ खड़ा हूँ। और ये दोनों जिस तरीके से इनकी देखिए कि उम्र क्या होगी और इन्होंने पूरे भारत को मतलब एक भ्रमण पे निकले हुए हैं और अभी तक इन्होंने 80 जिले नॉर्थ ईस्ट के उधर जो साइड उन्होंने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब इस समय दिल्ली से इनकी मुंबई और मुंबई के बाद कश्मीर ऐसे जो यात्रा निकलने वाली है साइकिल से बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के ऐसे लाखों परिवारों के बीच जा करके इन्होंने चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे देश के पॉल्यूशन की बात हो, या किसी भी जो भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों वाली मुद्दा है उन विषयों को भी शेयर करती है। और उन सबसे बड़ी बात है कि महिला होकर के महिलाओं को जागरूक कर रही है ताकि आज भी देश में बहुत सारी युवा टू व्हीलर हो, बाइक्स आप देखते होंगे किसी पास, गाड़ी हो लाखों की महंगी, वो सोचते हैं ये जिस दिन होगा तब मैं भारत के बारे में जानने की कोशिश करूंगा या निकलूंगा, और निकल भी नहीं पाते। लेकिन इनके हिम्मत की एक सबसे बड़ी बात, एक ताकत इनके अंदर देखिए, इनसे सीखिए कि ये साइकिल पर ही निकल पड़े अपने दोस्त के साथ इन्होंने चुनाव के रास्ते का, और ताकि ऐसे भारत के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों से मिल करके अपनी देश की मिट्टी के बारे में जो उसकी अहमियत है, जो एक भाईचारा है, वो बताने के लिए ताकि ऐसे महिलाओं को जागरूक करें। तो मैं खुद ही इनसे मिलवा रहा हूँ जो कि देखिए इनके चेहरे पर स्माइल भी है दौड़ने के बाद दोनों प्रदीप जी, और बाकी खुद भी ये कुछ अपने बारे में जर्नी शेयर करेंगी, आप खुद भी इनसे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया कुमारी, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ और एक छोटे से जिले से सोनभद्र की रहने वाली हूँ। और मैं वहाँ से निकल के मैंने माउंटेनिंग अपने स्टार्ट किए और आज इसकी माउंटेनिंग के साथ साथ मैं साइकिलिंग भी करती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने नॉर्थ ईस्ट में साइकिलिंग की, जो मेरा मिशन था कि मेंसलाइजिंग और प्लास्टिक फ्री माउंटेन्स को लेकर लोगों को अवेयर करना और साथ ही साथ फ्री प्लास्टिकेशन का भी लोगों को बताने का, कि कम से कम एक तो मैं महिलाओं से भी यही बात बोलना चाहूँगी कि जिस मिशन को लेके मैं निकली हूँ कि ताकि महिलाएं खुल के बात कर सके, उसके साथ साथ मैं पुरुषों से भी बात करती हूँ कि ताकि एक जब पुरुष को अगर अपने घर में वो चीज़ें बताओगी कि एक महिला को जब पीरियड्स के टाइम पे ये प्रॉब्लमें आती हैं तो वो कैसे खुल के बात कर सके। और साथ ही साथ प्लास्टिक क्लीनअप को भी लेके हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कहीं भी आप घूमने जाइए तो कम से कम प्लास्टिक का बॉटल हो, चाहे वो रैपर हो, आप इधर उधर मत फेंकिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। और यही मेरा मिशन है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है मेरा मुंबई टू एवरेस्ट बेस कैंप और साथ ही क्लीनअप प्रोजेक्ट का। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहूँगी कि आप हमारे मिशन में सपोर्ट करिए और हमारे साथ हमारे मिशन में भी जुड़िए, तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मैं इससे पहले मैं बड़ा टिहरी ग्लेशियर अभी क्लाइम करके आई हूँ, तो आशा है कि मैं नेक्स्ट ईयर मैं माउंट एवरेस्ट लोच्चे मतालू भी मैं क्लाइम करूँगी अगर आप लोगों का आशीर्वाद है। तो थैंक यू सो मच। जैसे इन्होंने बातें मतलब इन्होंने एक मिनट में ही कह दी, लेकिन इनके शरीर को देखिए कितनी दुबली पतली हैं। आप मतलब सोचते हैं कि हेल्दी और जिम बॉडी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन फिर भी सोच नहीं पा रहे उन क्लाइमेट्स को, मतलब आप उनका सामना करने के लिए ये गर्मी जाड़ा बरसात को क्या इनके पास बॉडी, दोनों को लोग देखिए, ये उसको एक कहते हैं ना कि एक पत्थर की तरह, एक पहाड़ के सामने एक पत्थर की तरह खड़े हैं और अपने मिशन में जो इरादे जो मजबूत हैं, एक फौलाद की तरह इन्होंने सड़कों के साथ साथ झंडा गाड़ा हुआ है भारत के प्रत्येक परिवारों तक ये मिलने के लिए। तो आप जो भी हैं, आप जो युवा हैं जो भारत को कुछ देना चाहते हैं, तो देखिए इनसे भी एक प्रेरणा ले सकते हैं, आप दे सकते हैं। और आप अपने मिशन को जो चुनौतियों को जो आप सामना कर रहे हैं आए दिन, चाहे मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, हमेशा चुनौतियों की बात होती है। दिल्ली में हम खड़े हैं, दिल्ली NCR में अभी एक दो महीने बाद हमेशा पॉल्यूशन की बात होने लगेगी और हर किसी को सांस के न जाने, हर दिन TV जो कि न्यूज़ चैनल पे डिबेट होते रहते हैं, लेकिन सामना उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई घर से बाहर कदम नहीं बढ़ा पाता है। लेकिन ऐसे युवा हैं जो आप अपने शौक पूरा करने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, जहाँ कि आप ये कचरे इतने बटोर बटोर के, मैं इनके सोशल मीडिया पे खुद इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, इनके नाम को फॉलो भी करिएगा आप लोग, तो पता चलेगा कि ये अपने शौक के लिए नहीं बल्कि देश के लोगों को, परिवारों के अंदर अपने भारत की एकता को जगाने के लिए कार्य कर रहे हैं और भारत के जो आने वाला जो फ्यूचर जो भविष्य ये बच्चे हैं उनको जगा रहे हैं, ताकि आप भविष्य को लेकर के जो आपको पूर्वजों ने जो दिया हुआ है, आप भी इस जीवन में आए हैं, जो आप ले रहे हैं भारत से कम आप दे कर देता है। बाकी आपका क्या राय कहना है इनके लिए जरूर दो शब्द कहिएगा, हमें इंतजार रहेगा। तब तक जय हिंद।